मुताबिक बेंगलुरु में मायावती और अखिलेश की मुलाकात हुई है। इस वक्त जो बड़ी जानकारी हमें मिल रही है और 45 मिनट तक ये दोनों के बीच बातचीत हुई है आने वाले चुनावों को लेकर। फूलपुर गोरखपुर चुनाव के बाद मायावती और अखिलेश की ये दूसरी मीटिंग है। आपको याद होगा जब ये उपचुनाव हुए थे उस वक्त एक मुलाकात हुई थी और उसके बाद ये पहली दफा है जब एक ही मंच पर मौजूद होंगे मायावती और अखिलेश। लेकिन उससे पहले ये 45 मिनट तक बहुत ही अहम मुलाकात दोनों नेताओं के बीच। तो कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस की जो सरकार बन रही है उसमें एचडी कुमारस्वामी मुख्यमंत्री होंगे। कुछ ही देर बाद ये शपथ ग्रहण समारोह वहां पर शुरू होगा और लगातार हमारी चर्चा भी यहाँ पर स्टूडियो में जारी है। और इस वक्त राजनीतिक विश्लेषक निनाद सेठ भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कांग्रेस समर्थक दुष्यंत नागर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस वक्त आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। निनाद सेठ, आप तस्वीरें देख रहे हैं, कितने 11 दल के नेता पहुंच रहे हैं वहां पर शपथ ग्रहण समारोह में शरीक होने के लिए। और जो जानकारी मिल रही है अखिलेश और मायावती के बीच 45 मिनट तक चली है मुलाकात। ये बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं मैं, क्योंकि आने वाले केराना में भी एक चुनाव होने वाला है और हमने देखा था दो उपचुनावों में उनका गठबंधन काम आया था। पर इसमें एक हमने बात याद रखनी चाहिए कि एक मंच पे साथ आना, उससे पहले मुलाकात करना एक बात होती है, इलेक्शन लड़ना दूसरी बात होती है। इलेक्शन लड़ने के लिए सबसे पहले तो आपको लीडरशिप चाहिए, उसी में शुरुआत से पहले ही वो लोग बिखर जाते हैं। इलेक्शन लड़ने के लिए आपको हर जगह पॉलिटिकल एडजस्टमेंट अलग अलग करनी पड़ेगी। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कुछ कुछ जगहों पर कांग्रेस आगे रह सकती है, कई जगहों पर उन्हें बैक सीट लेनी पड़ेगी। तो ये राहुल गांधी जी की मैच्योरिटी का एक बहुत बड़ा टेस्ट होगा कि क्या वो हर स्टेट में अलग अलग चुनावी समीकरण बिठा पाते हैं कि नहीं। अभी तक जो हमने देखा है उससे हमें लगा नहीं है वो कॉन्फिडेंस उनमें है। आखिर में मैं एक बात और कहूँगा, इन सबको क्या ये किसी विचारधारा के लिए आ रहे हैं एक साथ या व्यक्ति विशेष के लिए आ रहे हैं? एंटी मोदी कोएलिशन नहीं चलेगा। एक आदमी के हेट के ऊपर आप कोएलिशन अगर करोगे तो पैसा उल्टा पड़ेगा। पर अगर आप किसी विचारधारा के लिए साथ आते हो तो उसमें दम हो सकता है। और विचारधारा के लिए साथ आने के लिए आपको ये भी याद रखना है कि मुलायम यादव अखिलेश यादव का जो वोट है क्या वो ट्रांसफर हो सकता है मायावती जी को, और मायावती जी का वोट क्या अखिलेश यादव को ट्रांसफर हो सकता है? क्योंकि सोसाइटी में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो ओबीसी और दलित के बीच में होता है। तो सोसाइटी के कॉन्फ्लिक्ट को मिरर पॉलिटिक्स करती है, क्या बिना सोसाइटी के कॉन्फ्लिक्ट को मिरर किए पॉलिटिक्स चलाई जा सकती है? ये खबर आते ही निनाद मैं देख रही हूँ प्रेम शुक्ला जी के चेहरे पे कुछ टेंशन नजर आ रही है। ये अखिलेश यादव और जो मायावती के बीच मुलाकात हुई है 45 मिनट तक चली है, तो अभी इस बीच हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, इतने थोड़ी देर रिलैक्स कर लेंगे प्रेम शुक्ला जी, और उसके बाद मैं पूछूंगी कि इस मुलाकात से वो कितनी ज्यादा टेंशन में आ चुके हैं।